हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज देखते हैं कार को आप अपना कैसे थोड़ा अच्छा लुक्स दे सकते हैं। आज हम क्रोम किट पूरे कार में इंस्टॉल करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो छोटा छोटा कुछ कुछ आपका वीडियो मेरा अपलोड होते रहता है, जो आपको पहले मिल जाए तो आप उसे देख भी सकते हैं। तो चलिए क्रोम किट देखते हैं। क्रोम किट लगाने के बाद गाड़ी का लुक थोड़ा हेवी आ जाता है, बहुत अच्छा भी लगता है। तो देखते हैं पूरा ये ऑल्टो K10 का पूरा क्रोम किट। आप अपने कार में इस क्रोम किट को इंस्टॉल कर सकते हैं, या पट्टर मार्केट से आप खरीद के क्रोम किट को अब इंस्टॉल कर लें। इसमें बहुत अच्छा लुक आता है, बहुत सारा कंपनी का आपको मिल जाएगा क्रोम किट। ये कोई कंपनी का प्रमोट नहीं है, जो मैंने अभी लगाया मुझे आफ्टर मार्केट मुझे मिल रहा था, मैंने वो क्रोम किट यूज़ किया। आपका नियर बाय जो भी क्रोम किट आपको मिले कोई भी कंपनी का, आप उसे ले सकते हैं। इसे लगाने के बाद आपका कार का एक लुक अलग से आता है। देखिए अभी कैसे इंस्टॉल किया जाता है। इसे ज़्यादा इंस्टॉल में कोई बड़ा झमेला भी नहीं है, इस पर आप घर में आप खुद इसे कर सकते हैं। इसमें कुछ भी नहीं, इसमें डबल साइड टेप लगा रहता है, उसे आपको रिमूव करना है और रिमूव करने के बाद आपको उसमें फिट कर देना है। अब हमारे वीडियो को देखते हैं, उसके लिए थैंक्स बहुत। और बहुत सारा लोग वीडियो को देखते हैं पर उसे सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, वीडियो अच्छा लगे लाइक भी कीजिए। उसमें वीडियो बनाने का एक खुद को भी एक्सपीरियंस अच्छा लगता है जब वीडियो आप लोग देख रहे हैं। तो आगे और भी वीडियो अच्छा अच्छा हो उसे हम आपके सामने लाएंगे। तो अभी मॉडिफिकेशन में भी वीडियो बहुत सारा मैंने छोटा मोटा बनाया हुआ था, तो इस बार भी आपको क्रोम किट में मॉडिफिकेशन दिखा रहे हैं। अब देखिए क्रोम किट में लगने के बाद हेडलाइट का लुक्स कितना अच्छा आ रहा है। तो आपका कोई भी कार हो, सब कार का अवेलेबल मार्केट में क्रोम किट मिल जाता है, उसे आप लगा सकते हैं कोई भी कार में। तो इस कार में मैंने क्या क्या क्रोम किट लगा रहा हूँ वो आपको दिख जाएगा पूरा वीडियो में, आप देखते रहें वीडियो को पूरा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिसे मेरा कोई भी वीडियो आता है आपको जल्द से जल्द मिल जाए। तो बहुत धन्यवाद, आप लोग मेरे वीडियो को देखते भी हैं। और कोई भी टॉपिक में आपको वीडियो बनाना है, कुछ भी है, तो आप मुझे कमेंट्स ज़रूर करें, मैं कोशिश करूँगा उस हिसाब से आपका वीडियो बने। टेक्निकली नॉलेज में जितना हो सकता है मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को वीडियो शेयर करता हूँ, उस हिसाब से आप वीडियो को कमेंट भी कीजिए और अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिए। तो हेडलाइट का दोनों साइड का क्रोम अभी फिटिंग हो चुका है। देखिए अब किस तरीके से हेडलाइट का एक लुक्स अलग से आ गया। मेरा सेंट्रो का ऊपर में भी मैंने कुछ कुछ वीडियो बनाया था, उसमें भी है, आप लोग उस वीडियो को देखें, उससे अगर कुछ आपको फ़ायदा होता है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, जे कुछ वीडियो से आप लोग को हेल्प मिल रहा है। और मॉडिफिकेशन का भी मैं थोड़ा बहुत वीडियो आप लोग को देता रहूँगा। फ़िलहाल मेरे शॉप में भी कुछ कुछ काम होते रहते हैं, तो मुझे अभी थोड़ा टाइम कम मिल रहा है, जिस वजह से वीडियो मैं कम बना रहा हूँ। तो कोशिश करूँगा जो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप लोग को शेयर हो। तो इस बार
कभी आप लगाने का टाइम में छोटा मोटा मिस्टेक हो सकता है, आप घर में यूज़ लगा रहे हैं तो उसमें कोई इसमें घबराने वाला बात नहीं है। आप उस क्रोम किट को थोड़ा रिमूव करके आप अपना सेटिंग फिर कर सकते हैं उसमें। पर अगर वन डे पार हो जा रहा है तब आप उसे कोशिश ना करें, फिर आपको उसमें डबल टेप लगाना पड़ेगा। तो ये साइड बीट, डोर साइड बीटिंग, इसमें ऑल्टो के टेन का जो डोर साइड बीटिंग है, ऑल्टो 800 का सेम होता है उसमें। आप मार्केट में जब भी परचेस करने जाए, आपका यदि ऑल्टो के टेन है अब या ऑल्टो 800 है, उसका साइड बीटिंग अलग नहीं आता है, सेम होता है। तो उसमें आपका उसमें कोई घबराने का बात नहीं है। आपको ऑल्टो के टेन का मिले तब भी है, ऑल्टो 800 का है तब भी होगा, दोनों का सेम होता है। एक ऑल्टो के टेन का मैंने ऑडियो सिस्टम में आपका 4 स्पीकर लगाने का एक वीडियो अपलोड किया था, तो उसमें आपको कभी अगर उसमें स्पीकर का कनेक्शन का कोई भी नॉलेज थोड़ा भी चाहिए तो उस वीडियो का आप देख सकते हैं। उसमें आपको ऑडियो सेक्शन में 4 स्पीकर कंपनी फिटेड जो सिस्टम आता है उसमें आप लगा सकते हैं। तो इसको देखिए, अब साइड बीटिंग लगने के बाद कार का साइड डोर का क्या लुक आ रहा है। अच्छा, तो आप भी अपना कार में लगा के थोड़ा मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। इसका मैं इसका प्राइस आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि हर जगह आफ्टर मार्केट आपका प्राइस कम बेसी हो सकता है आपका मार्केट बेस। तो आप एक बार अच्छा से ट्राई कर लें, उसका बाद आप परचेस करें। ऑनलाइन भी मिलता है, आफ्टर मार्केट भी मिलता है, आपका ऑफलाइन में भी मिलेगा। आप ऑफलाइन में पहले ट्राई कर लें, ऑफलाइन में अगर आपको उसका रेट कम समझ आता है तो आप ऑफलाइन से लें, और अगर आपको ऑनलाइन में उसका रेट कम समझ आ रहा है तो आप ऑनलाइन से परचेस कर सकते हैं। इसमें आपका कोई भी कार का आपको इसमें फुल क्रोम किट भी आता है, सिंगल पीस में आता है। आपका अगर थोड़ा थोड़ा लगाना है, साइड बीटिंग लगाना होता है या साइड बीट में आएगा, आपको हेडलाइट में लगाना है उसका हेडलाइट का अलग आता है, या फुल पैकेज लेना है फुल पैकेज भी आता है। तो आप अपने कार में जिस तरीके से, मैं कोशिश करता हूँ वीडियो को शॉर्टली बनाऊँ जो आपको उसे देख के आपका कार में आप क्या कर सकते हैं। जो नया कोई भी कार लेते हैं उसका बाद उसको थोड़ा मॉडिफिकेशन करना है, थोड़ा सा उसमें हेवी लुक्स लाना है, तो उसमें क्या क्या होता है तो उसका ही मैं वीडियो बना रहा हूँ छोटा छोटा पार्ट में। तो उसमें आपको देख के समझ आ जाएगा जी आप अपने कार में क्या क्या लगा सकते हैं। तो ये क्रोम किट का आज मैंने वीडियो डाला, इसमें आप देखिए ये आपका साइड डोर का हैंडल क्रोम, इसमें देखिए। तो किस तरीके से इसे इंस्टॉल करना है, इंस्टॉलिंग में आपको कोई भी इसमें ज़्यादा परेशानी नहीं होने वाला है क्योंकि उसमें सारा दो साइड में आपका उसमें दिया रहता है डबल टेप, तो उसे सिर्फ रिमूव करना है अच्छे से और उसे फिटिंग करना है। तो इस तरीके से आप लगा दें तो देखने में भी आपका गाड़ी का लुक्स थोड़ा अलग आता है। तो देखिए, और पूरे कार में लगाने का बाद आप लोग को इसे कैसा लग रहा है तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। कमेंट्स में आप बताएंगे तो अच्छा भी लगेगा, अगर कुछ मुझसे टेक्निकली फॉल्ट भी होता है तो उसे भी मुझे मालूम चल जाएगा, नेक्स्ट उसे मैं सुधारने का कोशिश करूँगा। तो अब देखिए, और आप भी अपना कार को थोड़ा सजा सकते हैं। नेक्स्ट इसमें मैं एलो व्हील लगाने वाला हूँ, वो एलो व्हील का वीडियो भी आपको डालूँगा बहुत जल्द। आपको एलो व्हील का तो मॉडिफिकेशन थोड़ा करना है इस कार में भी,
एलो व्हील का अभी डालने के बाद किस तरीके से लुक्स आएगा इसका मैं आपको दिखाऊंगा। ये अभी ऊपर का भी लग गया, ऊपर का लगाने के बाद देखिए किस तरीके से लुक्स आ रहा है। इसे लगाएं। कभी आपका इसका प्रॉब्लम क्या होता है, कभी कभी आपका ये निकल जाता है थोड़ा बहुत, तो निकलने के बाद बहुत आदमी फेविक्विक से इसको चिपकाने का कोशिश करता है। आप फेविक्विक यूज़ ना करें, क्योंकि फेविक्विक से यूज़ करने के बाद में आपका अगर पेंट का सेक्शन में है तो उसमें प्रॉब्लम आने का चांस रहता है। आप उसमें दूसरा कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हैं, फेविकॉल का आपका डेंड्राइट आता है, डेंड्राइट भी थोड़ा सोल्यूशन उसमें लगा के आप उसमें चिपका सकते हैं तो वो थोड़ा सेफ रहेगा। कभी आपको यदि उसे निकालना है तो इजीली निकल जाता है। अगर आप फेविकोल से उसको लगाने का कोशिश करेंगे तो उसमें आपका प्रॉब्लम आ सकता है इन फ्यूचर आपको अगर इसको निकालना है, क्योंकि ये आपको कभी ना कभी आपको ऐसा लग सकता है जैसे मैं रिमूव कर दूँ तो उस टाइम में आपको प्रॉब्लम आएगा। तो कोशिश कीजिए जे अगर ये थोड़ा ओल्ड हो चुका है, थोड़ा आपको उसका टेप चेंज करना है तो आफ्टर मार्केट इसका टेप भी मिलता है, डबल साइड का टेप जो बोलता है इसमें, तो उसको आप परचेस करके उसको सारा टेप निकाल के नया से उसमें डाल दें, डाल के आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो उसमें ज़्यादा उसमें कुछ झमला भी नहीं आता है, लेकिन आप उसमें ज़्यादा सके तो आप उसमें फेविकोल का यूज़ ना करें, क्योंकि उसे रिमूव करना थोड़ा झमेला होता है। देखिए इसका क्या है, भी लुक्स आ रहा है तो आप इसमें आपका सारा किट्स अलग अलग आता है, आपको जिस तरीके से आपका कार में आपको फिटिंग करना है आप उस तरीके से आप परचेस कर सकते हैं। सिंगल सिंगल पीस, उस सिंगल पीस में आप अपना लगा सकते हैं। अगर ज़्यादा पूरा किट लगाना है पूरा भी लगा सकते हैं, सिंगल वाइज कोई किट लगाना है आप सिंगल वाइज भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप लगाने के बाद इसका लुक्स बहुत अच्छा आता है। तो इसे लगाने का टाइम हम लोग को थोड़ा इवनिंग का ज़्यादा टाइम हो गया था तो थोड़ा वीडियो क्लियरिटी भी कम आ रहा है, तो वीडियो को देख के अच्छा लगता है तो शेयर कीजिएगा ज़रूर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।